दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपने इंस्टाग्राम के किसी प्राइवेट चैट को लॉक किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके फोन को आपके फैमिली मेंबर यूज करते हो या आपके फ्रेंड वगैरह आपसे आपका फोन लेते हो तो आपके इंस्टाग्राम को ओपन करके आपके चैट को भी डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर इंस्टाग्राम पर आपकी कोई प्राइवेट चैट है, पर्सनल चैट है और आप उसको लॉक लगाना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि आपके सिवा उसे कोई रीड कर पाए, तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम के अपनी पर्सनल चैट पर लॉक लगा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को इसी का प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से इसको कर पाएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए आपको एक छोटी सी एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो सबसे पहले तो उस एप्लीकेशन को आपको अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना है। मैंने उसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, चलिए मैं उसको आपको ओपन करके दिखा देता हूं। तो जैसे आप फर्स्ट बार इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको यहां पर देखने को मिलता है। तो यहां पर सबसे पहले तो आपको एक पासवर्ड सेट कर लेना है जो कि आपको ठीक से याद रहे। तो चलिए मैं यहाँ पर फिलहाल 1234 रख लेता हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे यूनिक रखना है ताकि कोई उसको गेस ना कर पाए। चलिए फिर से इसको कन्फर्म करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर आपको एक रिकवरी मेल देने को बोला जा रहा है, यानी कि यहाँ पर आपको अपना एक ईमेल एड्रेस दे देना है। ये इसका मतलब है दोस्तों, कभी अगर आप अपने पासवर्ड को भूल जाते हैं तो आप अपने रिकवरी ईमेल के थ्रू उसको वापस रिकवर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना एक ईमेल देकर यहाँ से सेव कर देता हूँ। चलिए मैंने इसको यहाँ से सेव कर दिया। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो यहाँ से आपको परमिशन को एनेबल करने के लिए बोल रहा है। तो एनेबल वाले बटन पर टैप कीजिए, आपको सीधा सेटिंग में ले जाएगा और यहाँ पर आने के बाद आपको इसको यहाँ से एनेबल कर देना है। चलिए मैं इसको यहाँ से ओके करता हूँ। इसके बाद फिर से देख लेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। तो नीचे की साइड आपको यहाँ पे प्लस का आइकन देखने को मिलता है। जैसे प्लस का आइकन पर टैप करते हैं तो आपकी इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन यहाँ पर ओपन हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। इसके बाद आपको अपने चैट वाले सेक्शन को यहाँ से ओपन कर लेना है। इसको ओपन करेंगे तो आपकी जितनी भी चैट होंगी वो आपके सामने यहाँ पर आ जाती है। अब इसमें से जिस किसी भी चैट को आप लॉक करना चाहते हैं उस चैट को आपको सिंपली यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं इस चैट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने चैट को सिलेक्ट किया तो इस एप्लीकेशन में चैट यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक हो चुकी है। चलिए अब मैं फिर से अपने इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को ओपन करके और उस चैट को आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि हमारी चैट वहाँ पर लॉक हुई है या नहीं हुई है। तो चलिए इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और जिस चैट को हमने यहाँ पर लॉक किया था उस चैट को हम यहाँ से ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे इस चैट को ओपन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंटर पासवर्ड का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है, तो यानी कि हमने इस चैट को यहाँ पर लॉक कर दिया है। अब अगर आपके फोन को कोई और ले भी लेता है और आपके इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन को ओपन कर लेता है तो वो आपकी इस पर्सनल चैट को रीड नहीं कर पाएगा। इसको सिर्फ आप ही रीड कर पाएंगे क्योंकि इसका पासवर्ड सिर्फ आपको पता है। तो इस तरह से आप इसको रीड कर पाएंगे। चलिए इसको देख लेते हैं। फिर लॉक उसी चैट पर लगेगा जिसको आप सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने इंस्टाग्राम की किसी भी पर्सनल प्राइवेट चैट को लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसकी जानकारी जरूर पसंद आएगी। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने दोस्त को इजाजत दीजिए।